अगर आप स्टडी में सक्सेस पाना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है आपका कंसंट्रेशन। इंटेलिजेंस लेवल जो भी हो, मगर कंसंट्रेशन अगर सही नहीं रहेगा तो आप मेमोराइज़ ठीक से नहीं कर पाएंगे, और मेमोराइज़ ठीक से नहीं कर पाएंगे तो स्टडी में सक्सेस भी नहीं आएगा। एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में ये कंसंट्रेशन सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है। तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम जान लेते हैं कि वो क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, जो अवॉइड करने से आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। नमस्ते, मैं कोलकाता बेस्ड न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तुविद, टैरोकार्ड रीडर डॉक्टर पिहाली रॉय गुप्ता आप सभी को वेलकम करती हूँ मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। आपने क्या मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे इस यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपके पास आ जाएगा। और बेल आइकन को भी आप प्रेस करना मत भूलिए। अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए जानते हैं कि वो क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, जो अवॉइड करने से आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। सबसे पहले आप जहाँ पे स्टडी करेंगे, आपके स्टडी टेबल जहाँ रहेगा उसके सामने कभी भी विंडो मत होना चाहिए। स्टडी टेबल के सामने कभी भी विंडो नहीं होना चाहिए। ऑलवेज अवॉइड विंडो इन फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल। नेक्स्ट, आप जहाँ पे स्टडी करेंगे उसके पीछे, यानी कि आपके चेयर के पीछे कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आप स्टडी करेंगे बैक में हमेशा वॉल रहने से अच्छा है। अगर स्टूडेंट जहाँ पे स्टडी कर रहा है उसके पीछे वॉल रहेगा तो स्टूडेंट का एक सपोर्ट हमेशा बना रहेगा। अगर आपके कंसंट्रेशन लेवल में प्रॉब्लम आता है तो हमेशा उस जगह में बैठ के स्टडी कीजिए जहाँ पीछे एक वॉल हो। नेक्स्ट, आपके स्टडी रूम में कभी भी रेड कलर नहीं होना चाहिए। ऑलवेज आप अपने स्टडी रूम में रेड कलर को अवॉइड कीजिए। साउथ वेस्ट में फेस करके कभी भी स्टडी मत कीजिए। आप हमेशा साउथ वेस्ट को फेस करके स्टडी करना अवॉइड कीजिए। आजकल तो हम ऑनलाइन स्टडी में हैबिचुएटेड है, और ऑनलाइन स्टडीज़ करते हुए बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी हमारे घर में, यानी कि हमारे स्टडी रूम में रहता है। तो आपको ख्याल रखना है कि आपके स्टडी रूम में बहुत सारा गैजेट्स ना हो। मिनिमम गैजेट्स आपके स्टडी रूम पे होना चाहिए। अगर ज़्यादा गैजेट्स आपके स्टडी रूम पे रहेगा तो आपको कंसंट्रेशन लेवल में प्रॉब्लम आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते रहते हैं कि स्टडी का बहुत प्रेशर है और उसे वो संभाल नहीं पाते हैं। इसका एक आसान तरीका है, या रेमेडी आप बोल सकते हैं, कि आपके स्टडी रूम पे अगर कोई मिरर हो और उस मिरर में अगर आपका बुक्स रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसको तुरंत आपको हटाना पड़ेगा। आपके स्टडी रूम के मिरर में बुक्स को रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर बुक्स आपके स्टडी रूम पे जो मिरर है उसमें रिफ्लेक्ट होता है तो स्टडी का जो प्रेशर है वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। तो अगर आपके ऊपर स्टडी प्रेशर आता है तो आपको ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि आपके घर का, यानी कि आपके स्टडी रूम के मिरर में आपके बुक्स रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट्स जहाँ पे स्टडी करते हैं उसके ऊपर, यानी कि सीलिंग पे बीम होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अवॉइड करना चाहिए, कि बीम के नीचे आप कभी भी स्टडी मत कीजिए। अगर बीम के नीचे आप स्टडी करेंगे तो अननेसेसरीली एक स्ट्रेस आपके ऊपर बना रहेगा। तो जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आप बीम के नीचे तो नहीं स्टडी कर रहे। अगर बीम के नीचे स्टडी कर रहे हैं तो आपके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा। तो थोड़ा सा आपको प्लेस चेंज करके ऐसे जगह पे स्टडी करना है जहाँ पे बीम नहीं है। इस वीडियो में मैं जो भी आपको अवॉइड करने के लिए बोल रही हूँ, अगर आप उसको मान के चलते हैं तो आपके कंसंट्रेशन लेवल में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। चलिए अभी बोनस सेगमेंट में हम जाते हैं।
चलिए अभी शुरू करते हैं इस वीडियो का बोनस सेगमेंट। बोनस सेगमेंट में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्शंस का प्रॉब्लम है तो उसको कैसे आप कम करेंगे। माइंड डिस्ट्रैक्शंस का प्रॉब्लम तो कम और ज़्यादा हर एक स्टूडेंट्स को ही रहता है। आप पढ़ने बैठे हैं और दुनिया भर की चिंता आपके माइंड में आ गया, माइंड डिस्ट्रैक्टेड हो गया, तो क्या हो रहा है, स्टडी में कंसंट्रेशन प्रॉपरली आप नहीं दे पा रहे हैं। तो इस माइंड डिस्ट्रैक्शन को अगर कम करना है तो एक सरल सा उपाय है, और वो उपाय क्या है, आपका जो आज्ञा चक्र है यानी कि ज्ञान चक्र जो आपके दो आईब्रोज के बीच में रहता है, वहाँ पे एवरी डे आप चंदन का तिलक लगाइए। एवरी डे आप चंदन का तिलक अगर अपने आज्ञा चक्र में अप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे ये जो माइंड डिस्ट्रैक्शंस का प्रॉब्लम है ये निकल जाएगा और कंसंट्रेशन और भी बढ़ेगा। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया है और मेरा बताया हुआ टिप्स को अगर आप फॉलो करके आपको सक्सेस मिलता है तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने में इस वीडियो को आपके रिलेटिव्स, आपको फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। तो फिर आज इतना तक, नया वीडियो लेके हम ज़रूर आपके पास जल्द ही आ जाएंगे। नमस्कार।